नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑडियो मॉड्यूल के बारे में। कंप्यूटर से कैसे हम लाइव कीबोर्ड प्ले करेंगे, टोन कंप्यूटर के टोन से। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। महंगे महंगे कीबोर्ड आते हैं, परचेस करने तो अच्छा है, मगर हमारे जो पहले के कीबोर्ड्स हैं हम उनको भी यूज़ करते रहते हैं, तो एट ए टाइम परचेस कर पाना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन यह है कि आप लाइव कंप्यूटर से आप लाइव कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं। टोन्स जो होंगे वो आपके कंप्यूटर के टोन होंगे, जैसे हम म्यूजिक प्रोडक्शन का करते हैं उसमें VST वगैरह यूज़ करते हैं, उनके टोन्स जो होते हैं तो अच्छे अच्छे VST हम अच्छे अच्छे टोन उनमें उनको असाइन करके बटन में असाइन कर, जैसे लाइव प्ले करते हैं कीबोर्ड को, वन बाय वन टोन हम असाइन करके हम उसको लाइव प्ले कर सकते हैं कीबोर्ड की तरह। तो ये चीज़ मैं आपको आज डेमो दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए चलिए मैं आपको इसका डेमो सुनाता हूँ कि किस तरह से हम इसको कंप्यूटर से हम लाइव कीबोर्ड प्ले कर सकते हैं MIDI कीबोर्ड से। अब जैसे हमारे पास GW8 सपोज करिए, तो हम GW8 से MIDI कीबोर्ड MIDI से कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के टोन हम लाइव प्ले कर सकते हैं वन बाय वन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आप जो नंबरिंग होता है उसमें आप टोन असाइन कर सकते हैं, जैसे हम कीबोर्ड में टोन असाइन करते हैं बैंक वाइज। तो चलिए एक नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, एक नंबर पे मैंने प्लग कर रखा है असाइन। आप सुन सकते हैं कि कितना खूबसूरत टोन है। ये VST के टोन्स हैं ऑडियो मॉड्यूल्स के, और इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडियो में टोन्स होते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं, उसको आप लाइव स्टेज पर लाइव प्ले करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्लेइंग क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दो नंबर पे पियानो मैंने कर रखा है। कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि VST जो अच्छी VST होती हैं वो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेती हैं, जिनके टोन्स अच्छे होते हैं। तो VST आप परचेज भी कर सकते हैं, और एक ही भी VST आती है, तो जो टोन आपको अच्छा लगे वो आप इसमें असाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तीन नंबर पे मैंने एक वाइब्रो ले रखा है बेल। किसी भी MIDI कीबोर्ड से आप इसको प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल MIDI कीबोर्ड है जिसमें बटन्स नहीं है। तो इसमें ये फैसिलिटी है कि जो ऑडियो मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसके थ्रू कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के उसमें न्यूमेरिक्स में इसको असाइन कर सकते हैं। तो चाहे वो आपका प्लेइंग का कीबोर्ड हो, आप MIDI कीबोर्ड MIDI से कनेक्ट करके आप उसको कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं इसके टोन। चार नंबर पे एक स्ट्रिंग। और पांच नंबर पे आप देख सकते हैं एक सैक्सोफोन मैंने कर रखा है। Mm-hmm.
और इसके बाद एक गिटार, इसके बाद ट्रम्पेट 7 नंबर, इसके बाद 8 नंबर पे सितार, नौ नंबर पे एक चुटी मैंने रखा हो, और 0 नंबर पे यानी आप 10 कह सकते हैं, 10 नंबर पे एक फ्लूट मैंने रखा हो। और दोस्तों इस पे देखिए, इन पे भी मैंने असाइन कर रखे हैं अकॉर्डियन, और इस पे देखिए, इस पे भी मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं ऑडियन हारमोनियम, इस पे भी मैंने कर रखा है कोरस, देखे इन पे भी मैंने कर रखा है देखिए ब्रास, और इस पे देख सकते हैं आप ये जितने न्यूमेरिक्स हैं वायलिन, इस पे देखिए एक संतूर है, और इस पे एक देखिए बैकग्राउंड स्ट्रिंग है ये, और इस पे एक पंटा से, तो आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, ये डेमोंस्ट्रेशन था ऑडियो मॉड्यूल कैसे आप यूज कर सकते हैं लाइव कीबोर्ड की तरह किसी भी कीबोर्ड से।